नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र शक्लानी और मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत पप आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और ये जो आप अभी पप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, शायद आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा, ये बाण गद्दी है जिसको हम अपशु भी बोलते हैं। और बाण गद्दी जिस प्रकार से भोटिया और गद्दी उच्च हिमालय क्षेत्रों में भारत और नेपाल के सेफर्ड लोगों की बकरियों की रखवाली करते हैं, उसी प्रकार से ये बाण गद्दी डॉग भी है। और मैं इसके गुणों की क्या ही बात करूं यार, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो देख रहे होंगे, इसके जो इस पे बाल गद्दी और भोटिया से ज्यादा होते हैं और इसके चेहरे पे भी आगे खूबसूरत बाल होते हैं जो कि बहुत ही स्पेशल इनको बनाता है। अच्छा, इनमें अच्छी बात यह है कि ये भोटिया और गद्दी के मुकाबले थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं। ये मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रीड है उनसे, भोटिया और गद्दी से दोनों से ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रीड है ये बाण गद्दी। तो इसमें ये क्या होता है ना, प्लेफुल बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही खेलते हैं आपके साथ में। अगर आपके फैमिली में बच्चे नहीं है, आप इसको रख लो, मतलब आपको कभी लगेगा नहीं आपके घर में बच्चे नहीं है। पहले तो कई डॉग, आपको पता है कि डॉग जब आपके घर में होते हैं तो आपको कभी भी ऐसे बोरियत फील नहीं होता है, लेकिन खास करके इस तरह के डॉग, अगर ये डॉग आपके घर में है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि 24 आवर्स में आप सिंगल सेकेंड भी बोर नहीं हो सकते लाइफ में। कभी भी आप ऐसे डल नहीं हो सकते, नील नहीं हो सकता आपके घर में। हमेशा मतलब एक खुशी, एक बरकरार, एक हैपनिंग मतलब होती रहती है उस घर में जहां पे ये होते हैं। मतलब बच्चा ठीक है। तो अभी अभी क्या है कि ये जो मैंने बोला है, ये भी शेपर डॉग है, बहुत अच्छा गार्ड डॉग है और बहुत ही सुंदर होते हैं ये। और जैसे कि आप इसका कलर देख रहे होंगे तो एक्चुअल में इसमें बाल थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, तो इनका बचपन में जो कलर दिखता है वो होता नहीं है, बड़े होते होते, एक साल होते होते इनका कलर चेंज हो जाता है। जब बचपन में ये जो कलर था पूरा ब्लैक था, जेट ब्लैक था ये, यहाँ थोड़ा था मतलब ब्लैक एंड टैन था, बट पूरा इधर काला था ये। अभी देख लो ये कैसे हो गया है। और अभी जब ये बड़ा हो जाएगा, इसका जो अंदर की कोट है ये व्हाइट है, ये पूरा व्हाइट हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैंने पहले भी एक बाण गद्दी पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें व्हाइट कलर का डॉग था और ये भी पूरा व्हाइट हो जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। और बात करूं मैं यार, ये कितना हैवी है तो मैं क्या ही बताऊं आपको दोबारा से, क्योंकि ये जो डॉग है बहुत हैवी है, ये लगभग 83-84 डेज का है और 20 किलो इसका वजन है। और आप लोगों को भी पता होगा कि इतने 2.5-3 महीने का बच्चे का 20 किलो वजन होता नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम डॉग है जिनका इतना वजन होता है। तो अभी अभी आप देखो, आपको दिखाता हूं मैं इसके 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 ये देखो, मेरा जो हाथ है ना, पूरा हाथ ही ढक रहा है, ये देखो पूरा हाथ ढक रहा है, फोर फिंगर ही नहीं, पूरा हाथ जो है पूरा जो है हाथ ही ढक रहा है, ये देख लो फोर फिंगर ही नहीं, पूरा हाथ को ढक रहा है, तो इतना हैवी है ये। और अच्छी बात यह है कि ये जितना तकड़ा है, मोटा है और ऊंचा है, उतना ही लंबा भी है। तो मुझे वो डॉग हमेशा ज्यादा पसंद आते हैं जो ज्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि लंबे डॉग ही अच्छे तकड़े होते हैं। तो आपने सुना होगा कि हम लोग यहाँ जंगलों में बकरियों के साथ में इन डॉग्स को रखते हैं, तो इनका होता क्या है कि ये जो डॉग होते हैं ना, ये लेपर्ड से लड़ जाते हैं और ज्यादातर वही डॉग लेपर्ड से लड़ते हैं जो लंबे ज्यादा होते हैं। हाइट से इतना कुछ होता नहीं है डॉग का, डॉग की अगर हाइट ज्यादा है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको बता रहा हूं, हमने देखा है डॉगों को लड़ते हुए लेपर्ड से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है अगर डॉग की अगर ऊंचाई ज्यादा है। डॉग की जो है लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, जिस डॉग की लंबाई जितनी ज्यादा होगी वो उतना तकड़ा होता है। तो अभी देखो यार, गोदी में बैठ गया, तभी तो कह रहा हूं ये बहुत प्लेफुल होते हैं ये, बस ये आपको बहुत खुश रखेंगे सीरियसली। तो जरूर एक कुत्ता पाले, अगर जरूरी नहीं ये ब्रीड आपको पाल रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई आवारा कुत्ते घूम रहे हैं जिनको खाना नहीं मिला, आप उनको भी अपने घर में रख सकते हैं। ये बस थोड़ी सी प्यार की भूखे होते हैं, एक दो रोटी चाहिए होती है इनको और आपके लिए जान तक दे देते हैं। तो अगर आपके आसपास भी गलियों में बहुत सारे कुत्ते, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, भूखे कुत्ते घूम रहे हैं, तो उनको खाना दें। अगर आप उनको रख सकते हैं, गोद ले सकते हैं तो गोद लीजिएगा, नहीं भी रख सकते हैं तो आप उनको खाना वाना खिला सकते हैं। और बाकी इस तरह के शेर अगर आप पालने के शौकीन हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। इसमें बस एक ही है कि जब ये बड़ा होगा तो इसमें ग्रूमिंग की थोड़ा करना पड़ता है इसको, क्योंकि बाल ज्यादा होते हैं तो उसको ग्रूम थोड़ा करना पड़ता है। तो अभी एक बार मैं इसको उठा के दिखा देता हूँ, ये है क्या चीज, आप देख लो ये, ए भाई भालू मेरा, इसका नाम रखा है मैंने रिखू ही बोलता हूँ, नाम तो वैसे कुछ रखा नहीं है बट रिखू बोलता हूँ मैं इसको। रिखू ये दिखा दे जरा चेहरा अपना, है ना,
तो ये है मेरा, देखो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि अगली जो भी वीडियो मेरी आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप लोगों को इस ब्रीड के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इनको क्या खिलाते हैं, मैं कैसे खाना खिलाता हूँ और कैसे इनको रखना है, तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर। फटाफट खाए भाई, भाई भाई वो वहां का 20 किलो।